हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालीमार किचन। आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे, खिली खिली और चटपटी। इसे आप हल्की भूख में या नाश्ते में भी खा सकते हो, आपको जब मन चाहे जब आप इसे बनाकर खा सकते हो। बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी साबूदाना लिया है, ये बारीक वाला साबूदाना है, और इसे हम 2 से 3 पानी से धोकर साफ कर लेंगे। एक बाउल में हम इसे धो लेंगे, इसे हल्के से धोएं, ज़्यादा इसे रगड़ना नहीं है। धोने से क्या होता है, जो भी कचरा व गंदगी जो रहती है साबूदाना में वो निकल जाती है। साबूदाना को हमने अच्छी तरह धो लिया है, अब हम इसे भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें पानी उतना ही डालें जितना कि साबूदाना डूब जाए। ये देखिए, बस इतना ही पानी डालें 1 इंच तक। अब हम इसे साइड में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है, हमारा साबूदाना भी अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए कितना खिला खिला और कितना अच्छा हो गया। अब चलिए हम खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, अब उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसे गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें मूंगफली के दाने ले लेंगे। 1 टेबल स्पून ली है हमने मूंगफली, इसे रोस्ट कर लेंगे। इन्हें अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई करें, जब तक ये चटकने की आवाज़ सुनाई नहीं देने लग जाती उसमें से। देखिए मूंगफली के दाने चटकने लगे हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ डाल देंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा लिया ये डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई, इसे भून लेंगे। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था, इसे डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। देखिए हमारे हरी मिर्ची अदरक लहसुन भून चुके हैं, अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इसे भी भून लेंगे, टमाटरों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हम 1/2 चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए हमने यहाँ 1 बला हुआ आलू ले लिया था, इसे हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ये भी डालेंगे। चला देंगे इसे। अब जो साबूदाना को भिगा कर रखा था हमने, उन्हें डालेंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी साबूदाना खिचड़ी कितनी खिली खिली बन रही है। आप साबूदाना को ज़्यादा पानी डालकर ना भिगोएं, इसे उतना ही पानी डालें जितना कि साबूदाना डूब जाए, और इसे 1-1.5 घंटे के लिए अच्छी तरह सोख होने के लिए रख दें। अब हम मूंगफली के दाने जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे, इसे भी चला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसे हल्की भूख में नाश्ते में बनाकर खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बनती है। जब भी आप साबूदाना खिचड़ी बनाएं हमारे तरीके से ही बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत झटपट बनने वाली है। अब हम यहाँ पर किचन किंग मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर डालें। अब हम हरा धनिया डाल देंगे इस पर। अब हम गैस बंद कर देंगे। लीजिए तैयार है हमारी साबूदाना खिचड़ी, खिली खिली टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर से बनाएं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।